दोस्तों, बिग बॉस के बाद अगर किसी शो का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है तो वो है खतरों के खिलाड़ी। और हर बार की तरह सीजन 13 के लिए भी लोगों के मन में काफी एक्साइटमेंट है। आखिर कौन कौन होने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के कंटेस्टेंट्स और किन किन बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट्स को खतरों के खिलाड़ी के लिए अप्रोच किया गया है, जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट्स की इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बिग बॉस 16 रनर अप शिव ठाकरे, जो ऑलरेडी मराठे बिग बॉस विनर रह चुके हैं और बिग बॉस 16 के भी जीतने के उनके पूरे पूरे चांसेस थे और उनका ड्रीम था कि वो बिग बॉस के बाद खतरों का शो करें, जो कि शायद अब पूरा होने जा रहा है क्योंकि मेकर्स ने उन्हें शो के लिए अप्रोच किया है और शिव ठाकरे ने भी शो को करने के लिए हाँ कर दिया है। कंटेस्टेंट की लिस्ट में अगले नंबर पर है बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट प्रियंका चाहर चौधरी, जिन्होंने बिग बॉस में तो अपने बोल्ड ओपिनियंस और अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से लोगों को एंटरटेन किया था और साथ ही वो अब खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि मेकर्स ने प्रियंका चाहर चौधरी को खतरों के शो के लिए अप्रोच किया है। इनके बाद बिग बॉस के एक और कंटेस्टेंट की बात करें, जिन्होंने खुद रोहित शेट्टी ने बिग बॉस के घर में आकर टास्क कराकर सेलेक्ट किया था, जो थे शालीन भनोत। लेकिन क्योंकि शालीन भनोत खतरों के अलावा कोई और शो करना चाह रहे थे तो इसलिए वो खतरों में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कलर्स का एक दूसरा शो एकता कपूर प्रोडक्शन के द्वारा बेकाबू को साइन कर लिया है, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। खतरों के अगले कंटेस्टेंट हैं नकुल मेहता, जो कि बड़े अच्छे लगते सीजन 2 से, लोगों में काफी पॉपुलर हैं और हाल ही में वो खतरों के खिलाड़ी के लिए भी अप्रोच किए गए हैं और नकुल मेहता ने भी खतरों के शो के लिए हाँ बोल दिया है। बात करें अगले कंटेस्टेंट की तो वो हैं जिन्हें हर साल ही खतरों के खिलाड़ी से अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से शो में नहीं आ पा रहे थे और यहाँ तक कि लास्ट ईयर तो वो शो के प्रीमियर में भी दिखाई दिए थे लेकिन बाद में वो शो में नजर नहीं आए। हम बात कर रहे हैं मुनावर फारूकी की, जो कि एक सोशल मीडिया कॉमेडियन है और लोकअप जैसे शो में नजर आ चुके हैं। इन्हें इस बार भी खतरों के खिलाड़ी के लिए अप्रोच किया गया है और इन्होंने इस बार हाँ भी कर दी है। शो में अगली कंटेस्टेंट है एक और सोशल मीडिया पर्सनालिटी, या कह सकते हैं मोस्ट वायरल पर्सनालिटी, जो है उर्फी जावेद, जो आए दिन अपने बोल्ड अंदाज से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं और हो सकता है वो अब खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आए, क्योंकि शो के मेकर्स ने इन्हें भी अप्रोच किया है। वेल, शो की अगली कंटेस्टेंट है बड़े अच्छे लगते हैं शो की फीमेल लीड दिशा परमार, जिनके लास्ट ईयर भी खतरों का शो करने की खबर आई थी लेकिन वो शो में दिखाई नहीं दी, तो शायद इस बार वो शो में नजर आए। इसी के साथ लिस्ट में लास्ट कंटेस्टेंट हैं, जो कि बिग बॉस 16 की मोस्ट फनी कंटेस्टेंट हैं, जो हैं अर्चना गौतम, जिन्होंने बिग बॉस 16 में लोगों को अपने फनी अंदाज से काफी एंटरटेन किया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अर्चना गौतम के बिना बिग बॉस 16 काफी बोरिंग रहता और शायद इसलिए ही खतरों का शो में कुछ फन एलिमेंट्स ऐड करने के लिए अर्चना गौतम को अप्रोच किया गया है। तो दोस्तों, ये थे बिग बॉस सीजन 13 के कुछ कंटेस्टेंट जिन्हें आप खतरों से लड़ते हुए देख पाएंगे। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।